डोसे का साइज़ देखो, यहाँ पे फैमिली डोसे का काफ़ी बड़ा डोसा है। यहाँ पे आज बताया था हमें कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनकी रसमलाई, तो ये देख सकते हो इस प्रकार से रहती है। कलर वगैरह देख सकते हो, इसका प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें भी ऐड किए हुए हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं शास्त्री नगर। शास्त्री नगर जो सब्जी मंडी है ना, उसके साथ में एक फेमस शॉप है दर्शन स्वीट्स। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। सामने देख सकते हो, ये है शास्त्री नगर सब्जी मंडी, उसके पास में आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आज इसी को एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए, आइए अंदर हमारे साथ फटाफट और दिखाते हैं सबसे पहले यहाँ की एम्बियंस आपको। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ सकते हो और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी आइटम्स आपको मिल जाएंगी, स्वीट्स भी हैं ये देख सकते हो। तो आइए अब देखते हैं यहाँ के मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस है और आपको बताते हैं सारे ऑप्शंस, उसके बाद फिर हम चलेंगे किचन में, मेकिंग भी दिखाएंगे यहाँ पे और पूरा सेटअप आपके लिए आज कवर करने वाले हैं। ये देख सकते हो, ये लोकेशन है, इनके नंबर्स हैं कॉन्टैक्ट अगर आपको कभी यहाँ से ऑर्डर भी करना हो। वैसे ये जोमेटो पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी आइटम्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे चाइनीज़ हैं, सूप्स हैं, काफ़ी सारी हैं आइटम्स और सारी प्योर वेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये देखो पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा इनके पास, बर्गर भी हैं, ये देख सकते हो लास्ट में अमृतसरी नान भी यहाँ पे मिल जाएगा, थालीज भी हैं इनके पास। जय श्री राम भैया। भैया जो हमारी ईद हमारी दो शॉप हैं, एक हमारी पुरानी वो है 1953 से स्टार्ट है, हाँ जो ये अभी ये नई वाली शॉप है ये 5 साल हो गए हैं अभी। बेस जैसे हमारा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा करो, ट्राई करो, फ्रेश बेस रहता है, फ्रेश मतलब जो डोमिनोज पे बेस्ट देंगे और डबल चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ देंगे। और अपना पैटी कुल्चा स्टार्ट किया हमने, वो भी अच्छा वो है अपना फेमस है, हाँ बिल्कुल सर। बाकी अपनी रसमलाई करो, टेस्ट करो। वैसे भी एक्चुअली आप जो कहाँ पर जहीं भी खाते हो ना रसमलाई खाते हो, तो वो उसकी ना तरी आपको रहती पतली जैसी ना, हमारी बिल्कुल आपको दूध मिलेगा, गाढ़ा मिलेगा, ठीक है। भैया जैसे सुबह हमारा खुलता है ये 8 बजे खुलता है, हाँ बिल्कुल। और ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में पूरी जाना है पैटी कुल्चा करो, पैटी कुल्चा हमारा सबसे बेस्ट है और फेमस भी है यहाँ का, हमारा A to Z आइटम यहाँ पे आपको मिलेगी मिलेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं इनकी किचन में, यहाँ पे सेटअप वगैरह दिखाते हैं, हाइजीन भी आपको बताते हैं। और यहाँ पे डोसा बनने वाला है फैमिली डोसा, जो काफ़ी बड़ा डोसा रहता है जम्मू का। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कैप वगैरह भी पहनी है, हाइजीन का भी साथ साथ में ध्यान रखा है। और ये सेटअप देख सकते हो, यहाँ पे डोसा बनाया जाता है साथ साथ में। अब यहाँ पे मेकिंग चेक करो भाई, डोसे का साइज़ देखो, यहाँ पे फैमिली डोसे का काफ़ी बड़ा डोसा यहाँ पे आज बनने वाला है। तो अगर आप डोसा लवर हो ना और काफ़ी बड़ा डोसा ट्राई करना चाहते हो तो इनके पास ज़रूर यहाँ पे आके ट्राई करना। और हम आपको यहाँ पे मेकिंग भी दिखा रहे हैं लाइव इनकी किचन से, ये देख सकते हो भाई मसाला जो प्रिपेयर किया है, इसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में भाई, डेकोरेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से की है और काफ़ी सारा मसाला इसमें भरा जाएगा। ये देखो मक्खन डाल के ऊपर से प्याज टमाटर दहिया सब मिक्स करके काफ़ी बढ़िया सा डोसा लग रहा है देखने में। ये देखो भाई क्या मस्त डोसा होना है, साइज चेक करो यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो फाइनली डोसा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, दो प्लेटों में इसे सर्व किया जाता है, ऊपर पनीर डाल के और ये आ गया सांभर। तो ये देख सकते हो फाइनली हमारे पास आ चुका है यहाँ का डोसा, जो है फैमिली डोसा मसाला डोसा। सबसे पहले भाई साइज़ चेक करो इसका, दो प्लेटों में सर्व किया जाता है यहाँ पे। तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा सा डोसा ट्राई करना चाहते हो यहाँ पे विजिट कर सकते हो, साथ में सर्विंग दिखाते हैं आपको यहाँ पे आओ। ये देखो साथ में सांभर सर्व किया हुआ है इसके साथ में, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, गरम गरम सांभर सर्दियों में। साथ में यहाँ पे ये कोकोनट की चटनी है, जैसे चम्मच से ख़राब हो जाएगी पर हम आपको दिखा देते हैं भाई, ये भी गाढ़ी सी बढ़िया सी चटनी है। और इनका डोसा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है और प्रेजेंटेशन देख सकते हो, ऊपर चीज़ वगैरह भी डाल के दिया हुआ है, साथ में चटनी भी है जो डोसे के अंदर ही छुप गई है। यहाँ पास में आपको दिखाते हैं भाई, चटनी भी सर्व की हुई है, मीठी वाली चटनी रहती है साथ में। और ये डोसे ने ना पूरा कवर कर रखा है, इतना बड़ा डोसा है, समझ नहीं आ रही भाई इसको बंदा खाएगा कैसे। तो दोस्तों को तो बुलाना ही पड़ेगा, पार्टी देना चाहते हो डोसे की तो भी यहाँ पे बुला सकते हो। चलिए अब टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं भाई टेस्ट कैसा है इसका, क्योंकि वही मेन है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और इसका जो प्राइस हमें पड़ा ना यहाँ पे वो है 150 रुपीज़ मसाला डोसा फैमिली वाला। भाई काफ़ी बढ़िया, जितना हमने तारीफ सुनी थी ना इनके डोसे की और भी खाने की, और बजट में भी है और काफ़ी डिलीशियस भी है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा सांभर भी टेस्ट करके बता देते हैं भाई, सांभर काफ़ी बढ़िया लग रहा था देखने में, कोकोनट चटनी भी ट्राई कर ही लेते हैं फिर। वही सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है यहाँ पे और डोसे के साथ काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ डेफिनेटली विजिट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो फैमिली डोसा, जिन्होंने ट्राई किया कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ की स्वीट्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो हमने सोचा उसका भी थोड़ा सा रिव्यू करें। और हमारे पास यहाँ पर क्या आया हो अभी आपको बताते हैं। तो भाई जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे मिठाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सबसे पहले हमारे पास आ चुका है यहाँ का ये गाजर हलवा। सर्दियाँ चल रही हैं और गाजर का हलवा सर्दियों में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। प्रेजेंटेशन देखो भाई बहुत बढ़िया आई है यहाँ पे, ये देखो ये बढ़िया सी बाइट है, टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा है।
क्या बात है यार, ये गाजर का हलवा ना प्रॉपर बुना हुआ है जैसे ये में, साथ में इसमें ड्राई फ्रूट भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया हुआ है, मज़ा आ गया इसको ट्राई करके। और साथ में भाई इन्होंने रसमलाई भी यहाँ पे बताया था हमें कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनकी रसमलाई, तो ये देख सकते हो इस प्रकार से रहती है, देखने में काफ़ी बढ़िया रसमलाई लग रही है। मतलब कलर वगैरह देख सकते हो इसका, प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें भी ऐड किए हुए हैं। चलिए एक बाइट लेते हैं। और इसका जो ये है ना साथ में ये दूध देख सकते हो, ये भी काफ़ी गाढ़ा है, ऐसे रबड़ी की तरह लग रहा था हल्का हल्का। ये देखो भाई ये आ गई बाइट, वाकई में यार बहुत ही अमेजिंग रसमलाई है, मुँह में जाते ही डिजॉल्व हो रही है ना, इतनी सॉफ्ट है। और जो दूध है ना इसमें वो भी ऐसे लग रहा है काढ़ा सा काढ़ा हुआ, प्रॉपर बनी हुई है, मज़ा आ गया इसे यार। रसमलाई ये हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई करना यहाँ पे आकर रसमलाई। तो ओवरऑल बात करें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल प्योर वेज। तो जम्मू में आप कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो जो अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ आना चाहते हो, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो ज़रूर विजिट करना, अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करना। और जम्मू के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा सोल ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना।